बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल, जो अभी भारत टीम जा रही थी पाकिस्तान की शूटिंग की, शूटिंग वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए, उसके मैनेजर भी थे ये रजी अहमद खान साहब। रजी साहब, बताएंगे आप कि पाकिस्तान शूटिंग ने जो मुकदमा लड़ा ये सारा, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, क्योंकि हमने कानून और रूल्स जो IOC के थे वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिल करके फॉलो किया। उसके बाद हुआ ये है कि न सिर्फ शूटिंग, हम तो शूटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन IOC ने सारे स्पोर्ट्स जो ओलंपिक के अंडर में आते हैं उन सब के ऊपर पाबंदी लगा दी। पहले स्टेज में वर्ल्ड की जितनी फेडरेशन थी उनको पाबंद किया गया, लेकिन अभी जो दूसरा स्टेप बनाया गया है कि वो रीजनल जितनी भी कॉमनवेल्थ हैं या एशियन हैं उनको भी पाबंद कर दिया गया है कि वो इंडिया को इंटरटेन ना करें जब तक कि इंडियन गवर्नमेंट बाकायदा एश्योरेंस दे, गारंटी करे कि वो फ्यूचर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी खेलों के।